अब हम चलते हैं उस जमीन पर जहां पर हमारे रिपोर्टरों की मौजूदगी होती है, लेकिन सरकारी नीतियां वहां पहुंचते पहुंचते सूख सी जाती है। तो आइए छत्तीसगढ़ आपको लिए चलते हैं। जमीन पर विकास का नारा और आसमान से टपकती त्रासदी। जी, ये ऐसी मार कि छत्तीसगढ़ के किसानों का दम ही निकल गया। कहीं सूखा, कहीं बारिश, कहीं ओले, फसल बर्बाद हो गई। और किसान ये कहने में नहीं चकता, खुदकुशी के अलावे कोई चारा नहीं बचा। करें क्या, आत्महत्या के सिवा हमारे पास और कोई साधन ही नहीं दिखता। लेकिन सिलसिलेवार तरीके से जरा इस बदहाली के मंजर को देखिए और समझिए। छत्तीसगढ़ के बेमेतारा में पपीते का ये खेत दीपक सिंगल और अजय अग्रवाल का है। खेती की जिम्मेदारी सतीश निषाद संभालते हैं। गर्मी और कम बारिश के चलते इलाके में पानी का स्तर इतना कम हो गया कि पूरी खड़ी फसल चौपट हो गई। और किसानों को पपीता अगर एक एकड़ में उगाना हो तो 70 से 75 हजार रुपए की रकम लग ही जाती है। फसल शुरुआत में कुछ बिक गई, लेकिन गर्मी आई तो पूरी फसल बर्बाद हो गई। पिछले साल बारिश कम होने की वजह से लेवल बहुत डाउन हो गया। 10 बोर में से 9 बोर पूरे सूख गए, पानी कम पड़ गया, फसल सूख गए। पर एकड़ इसमें 70 हजार का लगभग खर्चा आता है और हम लोग इस साल आधा भी नहीं निकाल पाए, पूरे नुकसान हो गया समझ लीजिए। ये जो बेरला इलाका है बेमेतरा जिले का, यहाँ ऐसे कई किसान हैं जिनके खेत बारिश कम होने की वजह से और बोर सूख जाने की वजह से पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। लेकिन अब जरा इन दो किसानों का दर्द भी सुन लीजिए। रामवचन यादव ने 11 एकड़ में तरबूज और 14 एकड़ में फूल गोभी लगाई। बिना मौसम की बारिश ने दोनों फसल को बर्बाद कर दिया। विनय जैन ने 12 एकड़ में पपीते की फसल लगाई, ओले पड़े, पत्तियां मुरझा गई, फल लगा तो दाग के साथ, नतीजा बाजार में कीमत कुछ भी नहीं मिली। विनय जैन कहते हैं पपीते से बनने वाली कतरी का कारखाना दिल्ली मुंबई में है, लेकिन वहां इतनी फसल को ले जाना संभव ही नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या आपने करवाया ये दोनों फसल का? हमने नहीं कराया, बैंक वाले अपने आप काट लेते हैं, उसका कोई रसीद भी नहीं देते हैं, ना तो उसका कोई आज तक कोई देखने आता है, ना तो हमारे बताने से कोई सुनवाई करते हैं। क्या करेंगे, इसको तोड़ाएंगे और जानवरों को खिलाएंगे। अब हमारे पास और कोई चारा नहीं दिख रहा है इससे। दूसरा उपाय जिससे आपको कुछ राहत, कतरी वगैरह बनता है उसके लिए अगर कहीं हमको कोई पास में मार्केट मुहैया होता तो हम उसको देते। तो आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी की ही सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को कमोवेश हर सभा हर रैली में कहा तो यही और दावा भी किया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से उनकी जिंदगी बदल रही है, बदल जाएगी। पर फसल पर मौसमी मार से चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक ऐसा सुरक्षा कवच मेरे किसान भाइयों से को मिला है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के किसान परेशान क्यों हैं? क्या उन्हें फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा? ये पूछने पर कुछ किसान हंस देते हैं, कुछ किसान दर्द बतलाते हैं। तो अभी कितना कमाया आपने मुनाफा इन दोनों में? कमाया कहाँ है, तो पूरा का पूरा डूब गया। अभी इसमें बचा क्या, ये तो सब खराब हो गया ना। करें क्या, सरकार बोलती है कि हम तो मुआवजा बांट रहे हैं, मुआवजा बांट रहे हैं। 12 से 15 गांव के ऐसे किसान मित्र हैं और वो बोलते हैं कि हमको तो 500 रुपए मिल रहा है एकड़ पीछे। तो क्या फसल बीमा योजना भी एक छलावा है? लागत से ज्यादा दाम दिलाने का वादा फरेब है और कुदरती मार से बचाने की कोई व्यवस्था किसी सरकार के पास है नहीं। ये सवाल इसलिए क्योंकि मुद्दा सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं। इनसे मिलिए, ये महाराष्ट्र के अहमदनगर के किसान योगेश कार्डिले हैं। योगेश ने 1 एकड़ में बैंगन लगाया, लेकिन बैंगन के दाम का हाल ये कि उन्हें 1 और 2 रुपए किलो से ज्यादा मिलता नहीं और कोई खरीदने वाला भी नहीं। ऐसे में बैंगन जानवर को खिलाए जा रहे हैं। मार्केट में जाके अगर उसका 5 रुपए मिल रहा है तो मैं लेबर का खर्चा भी नहीं निकल पा रहा हूँ, इसलिए तो मैंने अभी उसका उसको मार्केट लेना ही बंद कर दिया। तो किसानों का दर्द और सत्ता के दावे सब कुछ आपके सामने है, लेकिन इसके बाद हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिस टेक्नोलॉजी के आश्रय क्या क्या सपने देखे गए।
ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।